हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये पहाड़ी सब्जी है, तो वो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह बनेगी। इसे तेड़ू बोलते हैं, और मैंने ये उबाल दिया था, और उबाल के मैंने यहाँ पे ये काट के रखे हैं। तो मैं यही सब्जी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तो मैं ये वाली सब्जी बना रही हूँ, वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और मैंने तेल के बाद इसमें वो जख्या होता है ना, पहाड़ी तड़का होता है एक, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने ये टमाटर मैंने कद्दूकस कर रखे थे वो डाल दिए, और इसको मैं अच्छे से पकने दूंगी, थोड़ा नमक डाल के, और थोड़ा ये हींग डाला मैंने। इस तरह बनती है। और ये अब मैंने नमक डाल दिया, नमक स्वाद अनुसार। अब मतलब नमक का ये है कि जो कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से बनता है। और यहाँ पे मैंने, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है नमक। और यहाँ पे मैंने ये धनिया और हल्दी था वो डाल दिया मैंने, मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मिर्च मुझे भी खाने के लिए मना कह रखा डॉक्टर ने, तो मैं यही बना रही हूँ। और यहाँ पे ये मैंने सब्ज़ी जो कट कर रखी थी वो डाल रही हूँ मैं इसमें, और इनको अच्छे से मसाले के साथ मैं मिक्स कर दूँगी, और जल्दी भी बन जाता है। और ये हमारे यहाँ शिवरात्रि पे बनता है पहाड़ों में, तो मैं भी बनाती हूँ। मैं यहाँ देहरादून में मिल जाता है ये मार्केट में ख़रीद के। तो यहाँ पे ये थोड़ा और बचे थे, मैंने वो भी डाल दिए। तो अच्छे से मसाला मिक्स कर दूँगी। ये आलू की तरह होता है, ज़मीन में होता है, जैसे आलू होता है ना वैसे होता है ये वाली सब्जी भी। और मैंने ये ढका दिया अब, और ये 5-10 मिनट में बन जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे ये बन चुकी थी सब्ज़ी, तैयार हो चुकी थी। और आज की वीडियो इतनी होगी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।